वीर चक्र जो कि भारत का सबसे उच्च माने जाने वाला शौर्य पुरस्कार है, आज इस वीडियो में हम बताएंगे उसके बारे में कुछ अनोखे और अननोन फैक्ट्स। तो अगर आपने प्योर इनसाइट इंडिया के यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन क्लिक करें। परमवीर चक्र किसी विशिष्ट बहादुरी, साहस या आत्म बलिदान के कार्य के लिए दिया जाता है, चाहे वो जल में हो, थल में हो या वायु में, यह मायने नहीं रखता। इसी वजह से यह भारत का सबसे प्रेस्टीजियस अवार्ड माना जाता है। अब चलिए बात करते हैं परमवीर चक्र के डिजाइन के बारे में या इसकी बनावट के बारे में। परमवीर चक्र का डिजाइन हिंदू पुराणों से प्रेरित है। परमवीर चक्र के बीच में भारत का नेशनल एम्बलम है और इसकी चारों दिशाओं पर इंद्र का वज्र बना हुआ है। इंद्र का वज्र माना जाता है कि सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक था और यह एक पर्पल यानी बैंगनी कलर के रिबन से नीचे लटकता है। अब चलिए बात करते हैं पौराणिक मान्यता की। क्यों केवल इंद्र का वज्र ही इस्तेमाल किया गया इसके ऊपर बनाने के लिए, क्यों कोई और हथियार नहीं? तो इसका उत्तर है कि जैसे मैंने पहले भी बताया है कि इंद्र का वज्र सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक है, परंतु केवल यही कारण नहीं है। अब इसकी पौराणिक मान्यता यह कहती है कि इंद्र का वज्र महर्षि दधीचि की हड्डियों से बना था और इंद्र ने इसे तब इस्तेमाल किया था जब उसका युद्ध वृत्तासुर से हुआ था, जिसने देवों पर आक्रमण किया और इस वज्र को बनाने के लिए महर्षि दधीचि ने अपना बलिदान दे दिया था और इसी वजह से केवल इंद्र का वज्र ही परमवीर चक्र पर बना हुआ है। अब चलिए बात करते हैं परमवीर चक्र के डिजाइनर के बारे में। आखिर कौन है वो भाग्यशाली व्यक्ति जिसने परमवीर चक्र को डिजाइन किया? आप जानकर हैरान होंगे कि यह कोई भारतीय नहीं अपितु स्विट्जरलैंड में जन्म लेने वाली सावित्री बाई खानोलकर द्वारा बनाया गया था। इन्हें इस कार्य के लिए इसलिए चुना गया था क्योंकि इनके भारतीय पुराणों की जो नॉलेज और ज्ञान था वो बहुत अच्छा था। और कोइंसिडेंटली जो पहला परमवीर चक्र है वो इनके सन इन लॉ मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था। इस पुरस्कार को पाना इतना मुश्किल है कि केवल यह 21 बार दिया गया है, जिसमें से 20 बार आर्मी को और केवल एक एयरफोर्स के जवान को मिला है। ये जो परमवीर चक्र के साथ आप मेडल देख रहे हैं, ये यूएसए का मेडल ऑफ ऑनर है जो कि परमवीर चक्र के ही बराबर माना जाता है। परमवीर चक्र का स्थान और इसका स्थान इक्वलेंट है, मतलब बराबर है। परमवीर चक्र 1/3/8 के रेडियस में बनता है और ये ब्रॉन्ज का बना हुआ होता है। वास्तव में परमवीर चक्र को पाना इतना आसान काम नहीं है, इसलिए उन सभी सेनानियों और शहीदों को मेरा दिल से सैल्यूट। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए प्योर इनसाइट इंडिया की यूट्यूब चैनल को।